हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ वो है शीश गुंबद, जिसे शीशा गुंबद के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बड़ी सी इमारत है जिसे कहते हैं शीश गुंबद। और इस गुंबद को लोधी शासन काल में बनाया गया है। और कहा जाता है कि इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि इसका निर्माण या कंस्ट्रक्शन कब किया गया है। एक अनुमान लगाया जाता है कि इस इमारत का निर्माण जो है 1489 से लेकर 1517 के दशक में किया गया, मतलब लेट 15 सेंचुरी से लेकर अर्ली 16 सेंचुरी के दौर में। और इसे जब हम दूर से देखते हैं इस इमारत को, तो एक दो मंजिला इमारत जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इसके भीतर आते हैं तो ये एक सिंगल मंजिला इमारत है, पर इसकी हाइट और आकृति को कुछ इस ढंग से बनाया गया है। जब आप दूर से देखते हैं तो आपको ये दो मंजिला इमारत जैसा प्रतीत होता है। और इसे एक स्क्वायर नुमा मकबरे का रूप दिया गया है। यदि हम इसकी लोकेशंस की बात करें तो ये लोधी गार्डन में स्थित है, लोधी रोड पे, दिल्ली में। और जब हम यहाँ पे देखते हैं शीश गुंबद के, तो इसके अपोजिट में आपको देखने के लिए मिल जाता है बड़ा गुंबद। तो बड़ा गुंबद और शीश गुंबद दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़ा है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं भीतर की ओर और वहाँ दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली अब मैं आ गया हूँ टूम के अंदर, और अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। जब आप भीतर की ओर आते हैं तो यहाँ पे कई सारी कब्र हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, पर ये अनआइडेंटिफाइड हैं। इसके बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। बस एक अनुमान है कि इन्हें लोधी डायनेस्टी के काल में दफन किया गया है। और लोधी शासन काल की यदि हम बात करें तो वो शय्यद डायनेस्टी के बाद प्रारंभ होता है। और जो हम टाइम पीरियड की यदि बात करें तो है 1451 से लेके 1526 का जो दौर था वो लोधी डायनेस्टी का काल माना जाता है। और लोधी डायनेस्टी की जो शुरुआत है उन्होंने बहलोल लोधी खाने की थी, उसके बाद उनके पुत्र सिकंदर लोधी बैठे हैं, उसके बाद इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी है जो कि बाबर से युद्ध करते हुए पानीपत में हार गए थे, जहाँ से मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। तो जब आप इसके भीतर आते हैं तो बहुत खूबसूरत सा मंजर आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। और जब इसकी आप गुंबद को देखते हैं, भीतरी गुंबद को, तो उस पर प्लास्टर का प्रयोग किया गया है अंदर साइड से, और उस पर खूबसूरत कुरान की आयतों को घेरा गया है। शायद आप इसे क्लियर ढंग से देख पा रहे हैं या नहीं। और ये बाहर से तो दो मंजिला आपको प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन भीतर से आपको कुछ इस प्रकार से प्रतीत होगा, जो कि एक मंजिला इमारत है और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से आपको बहुत सारी यहाँ पर ठंडी हवा आप महसूस कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर जब आप आते हैं तो दो साइड से यहाँ पे प्रवेश द्वार है, या आप एक साइड से प्रवेश और दूसरे साइड से एग्जिट मान सकते हैं, जो कि नॉर्थ एंड साउथ दिशा में है। और इसका वेस्टर्न वॉल को यदि हम देखें तो वेस्ट साइड में आप देखें जो पश्चिमी दिशा है, वहाँ पे मेहराब बना हुआ है। और यह मेहराब पश्चिम की ओर रुख करती है, जो कि मक्का की ओर है, और जहाँ पे लोग आयतें पढ़ते हैं या सर झुकाते हैं, सजदा करते हैं मक्का की ओर। ऐसा हमें मेहराब हर जगह मीनार में, या हम कह सकते हैं टॉम में, देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार के मेहराब आपने मेरे और भी कई वीडियो में देखा होगा, या और हमेशा हमें पश्चिमी दीवार पे ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पश्चिमी वॉल जो होता है वो मक्का के तौर और रुख करता है इस वजह से। यदि मैं इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात करूं तो इसे बनाने के लिए ब्राउन सैंडस्टोन के बड़े बड़े ब्लॉक का प्रयोग किया गया है। और जब हम भीतरी हिस्सा को देखते हैं तो उस पर आपको प्लास्टर का
प्रयोग हमें देखने के लिए मिल जाता है। ज़्यादातर हिस्सा तो नष्ट हो चुका है प्लास्टर का, वो वक्त के साथ साथ नष्ट हो गया है, पर बाहरी हिस्सा में आपको ऐसा प्लास्टर देखने के लिए नहीं मिलता है, पर भीतरी पार्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। शायद उस वक्त में इंटरनल पार्ट में जो है स्टको प्लास्टर का प्रयोग किया गया था, पर बाहरी पोर्शन जो है उसे सिर्फ ब्लॉक से दर्शाया गया है। इसके साथ में आपको ब्लू टाइल्स जो कि ऊपरी भाग में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। शायद उस वक्त में इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा रही होगी, पर वक्त के साथ साथ ये जर्जर हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ। सो अभी के लिए बस इतना ही।